हाय फ्रेंड्स, सरकार ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ट्रेडर्स चैनल में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मार्केट में गिरावट आता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसका मीनिंग्स मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो मार्केट में गिरावट आ जाएगा और मार्केट में 7000 का जगह पर निफ्टी आ जाएगा या 8000 के जगह पर निफ्टी आ जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, तो गलत फहमी को दूर में रखिएगा। लेकिन जो मैं अलर्टनेस कर रहा हूं उससे जरूर अलर्टनेस होना चाहिए, जागते रहो, अलर्टनेस जागते रहो, मतलब आपको हर हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए इस मार्केट में। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आपको ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट किस जगह पे है अभी और यहां से क्या बनने का उम्मीद बन सकता है। अगर ये उम्मीद होता है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए दोस्त, सीधा हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट में, उसके बाद चलेंगे निफ्टी पी में एंड उसके बाद चलेंगे कुछ ओवरबॉट स्टॉक में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पे हम आ गए हैं सबसे पहले निफ्टी चार्ट में। ओके, तो निफ्टी चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, देखो एक जो ये अप ट्रेंड बना हुआ था, ये अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में तब्दील होने जा रहा है, डाउन ट्रेंड में तब्दील होने जा रहा है। ये जो हाई है इसके नीचे का क्लोजिंग दिया था, ये मैं फ्राइडे के सेशन में आप लोग को दिखा चुका हूँ। अब इसके नीचे अगर गिरावट आ जाता है तो मार्केट यहाँ से ये लेवल एंड फिर धीरे 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 आगे आने वाले महीने में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड हो सकता है। आपको मैं अगस्त महीने में ही लास्ट सेशन में बताया था कि सितंबर महीने में गिरावट आ सकता है। अब जिन्होंने निफ्टी का वीडियो में, जो हर रोज निफ्टी का वीडियो पोस्ट करता हूँ, वहां पर मैं ये बात कहा था, और अगर ऐसे ही होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात, काफी लोग क्या करते हैं, निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं, स्टॉक का कॉल ऑप्शन लेते हैं, और स्टॉक का कॉल ऑप्शन से जितनी गिरावट आते हैं उतना ही एवरेज करते जाते हैं। यहां पे 10 रुपये में लिए थे, 6 रुपये में आ गया, एवरेज कर दिए, 4 रुपये में आ गया, एवरेज कर दिए, 3 रुपये में आ गया, एवरेज कर दिए, 1 रुपये में आ गया, फिर भी एवरेज कर दिए। एवरेज करते करते जितनी पैसे इनके पास होते हैं ये पूरा खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो अलर्टनेस है वो इस बात के ऊपर है कि अगर आप कॉल पोजीशन में बैठे हुए हैं उसका डाउन ट्रेंड में एवरेज मत कीजिए। ओके, उसके ऊपर आपने डाउन ट्रेंड में एवरेज नहीं करना है। चलिए, सेकंडली, अगर इसी तरीके से गिरावट आता है, आपके पास अगर कॉल है, आप चाहते हैं कि कॉल को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि ये ऊपर आएगा, तो मैं बिल्कुल आपका विश्वास में पानी नहीं फेर रहा हूं, बिल्कुल वो स्टॉक ऊपर आ सकता है, लेकिन बचने के लिए एक छोटा सा अमाउंट का पुट ले लीजिए। ओके, तो आपको सेकंडली मैं क्या कहा हूं, अगर आप कॉल साइड में बने रहे हैं, अगर 15 रुपये का कोई कॉल ऑप्शन ले रखे, सपोज JSW स्टील, ओके, इससे कोई कॉल आपने 15 रुपीज में ले रखे हैं, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 45,000, लमसम 45,000 से अबव, तो आप कुछ नहीं तो 5 से 7 हज़ार रुपया का एक पुट ऑप्शन लेके रखिए, ताकि कुछ हद तक आपको हेजिंग का काम करे। ओके, चलिए, अब सेकेंडली आपको मैं गिरावट का एक अंदेशा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट दिन के दिन डाउन होते जा रहा है। सेकेंडली, अगर हम निफ्टी पीई देखेंगे, ये निफ्टी पीई का डेटा है, ये मैं पिछले मंथ में अगस्त एंडिंग में भी बताया था, निफ्टी पी 32 के आसपास पहुंचने वाला है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 सितंबर का जो निफ्टी का पी है वो 32.49, 3 सितंबर का निफ्टी का पी पहुंच चुका था 33। ओके, तो ऐसे कंडीशन में निफ्टी में गिरावट आने का एक आशंका रहता है। तो जस्ट मैं इस पी को रेशियो को बलबूझते पे और जो हमारे टेक्निकल चार्ट में निफ्टी जहां पे पहुंच गया है इसके ऊपर देखते हुए मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट में एक गिरावट आ सकता है। अब इसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ में जब निफ्टी, देखिए मैं मैक्सिमम निफ्टी के ऊपर जो स्टॉक होते हैं उसके ऊपर ही रिसर्च करता हूँ, तो आपको मैं यही कह रहा हूँ, सबसे बेहतरीन स्टॉक है जो आप शुरू शुरू में देख रहे हैं, मार्केट का सबसे दिग्गज स्टॉक है, जितने भी स्टॉक आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सारे दिग्गज स्टॉक है। अब ये सारे क्या हुआ है, 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गया है, तो इस 52 वीक हाई के आसपास अगर पहुंच गया है, आपको अगर शॉर्ट साइड में रहना है, तो जो सबसे ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है,
आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्टॉक ऑन डे का चार्ट में ओवरबॉट हो गया है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जो ओवरबॉट हो चुका है उस स्टॉक के अंदर थोड़ी सी टेक्निकल चीज यूज करके आप पुट पोजिशन में बने रहिए, ओके। अदरवाइज सेकेंडली मैं अलर्ट कर रहा हूं, अगर आप बाइंग पोजिशन लेके बैठे हैं, तो उस बाइंग पोजिशन को, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो पूरा पूरा निकल जाइए, मार्केट गिरने वाला है, गिर जाएगा बुरी तरह से, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको 100 शेयर्स बाइंग कर रखें तो 50 शेयर से आप एग्जिट हो जाइए, 50 शेयर को आपका जो उम्मीद है उसके ऊपर रखिए एंड 50 शेयर से एग्जिट हो जाइए। दो चार दिन में अगर मार्केट थोड़ा सा अप मूवमेंट में और आ जाता है, और अप मूवमेंट आने के लिए मैं कौन सी लेवल दे रहा हूं, इस लेवल को नोट कर लीजिए, इस लेवल के ऊपर अगर आ जाता है 11,500, 11,500, 11,500 के ऊपर निफ्टी जब आ जाता है तब जाके आप फिर से जो 50 क्वांटिटी आप आज के दिन में एग्जिट कर रखे हैं उस 50 क्वांटिटी को दोबारा जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको उस स्टॉक का भी थोड़ा सा एनालिसिस देखना है कि स्टॉक में मैं किस जगह पे सेल कर रहा हूँ, बाकी ही ये सेल करने का जगह है या नहीं, थोड़ा सा इस चीज को देख के आप, मुझे नहीं पता है कि आपके पास कौन सी स्टॉक है, ओके, बट मुझे पता है कि टाटा मोटर पिछले दो दिन कई दिनों से 110 से लेके नॉन स्टॉप एक रैली दिखाया है 150 तक, ओके। जिल एक पिछले दिनों में एक बहुत बुरी तरीके से अप ट्रेंड में देखे हैं, कुछ दिन पहले जब बैंक निफ्टी में गिरावट से पहले आप देखे होंगे कि इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो 3-4 दिन कंटिन्यू एक अप मूवमेंट चला था, उसमें गिरावट आ गया है ऑलरेडी। तो मैं यही यही शेयर का नाम बता रहा हूं, बाकी जो आपके पास है उसके ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या चीज शेयर किया हूं आपसे, टेक्निकल चार्ट, निफ्टी पी एंड जो ओवरबॉट स्टॉक, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ये ओवरबॉट में आ गया है, ये 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, मतलब इसमें और ग्रोथ आ सकता है, लेकिन अगर निफ्टी भाई साहब गिर जाता है तो सारे स्टॉक गिर जाता है। मैं ये आपको अलर्ट करने का कोशिश किया हूं कि निफ्टी अगर गिर जाता है सारे स्टॉक गिर जाता है, तो ऐसे टाइम पे आपको कैसे अलर्ट रहना है, सजग रहना है, जागते रहो रहना है, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाने में ना भूले, अगर कोई गलती हो चुका है तो यहीं पे इसे खत्म कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये फुली आपके ऊपर है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन दबाना उतना ही जरूरी है अगर आप हर वीडियो इस टाइप का सबसे पहले पाना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।